आपने सहयोग किया है, प्रशासन के हमारे सभी साथियों ने मेहनत की है, वहीं मीडिया का भी रोल बहुत ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो G20 का आयोजन हो, उसके कारण मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया है और जो लोग भी यहां आए थे एक प्रतिफल उसका दिखाई पड़ रहा है कि अब बाहर के देशों से भी टूरिस्ट के आने की संख्या बढ़ने लगी है और आगे और बढ़ेगी। अनेक महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद श्रीनगर में हुए। एक आयोजन हुआ था, आप में से कुछ लोगों ने कवर भी किया, भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर आए थे, दोनों स्टेट मिनिस्टर आए थे और लगभग 17 राज्यों के डेयरी मिनिस्टर श्रीनगर आए थे। दो दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ। इंजीनियर्स एसोसिएशन की बैठक पहली बार श्रीनगर में हुई है। ऐसे ही देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपनी मीटिंग श्रीनगर में किया और अभी आप सबने देखा है कि नालसा को लेकर के करीब 17-18 सुप्रीम कोर्ट के जजेज और देश भर के सभी राज्यों और यूटीज के चीफ जस्टिस और नालसा के जो इंचार्ज हैं वो आए थे। मंतव्य मेरा ये है कि अब एक हैपनिंग प्लेस श्रीनगर हो गया है और देश भर के महत्वपूर्ण आयोजन श्रीनगर में हो रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ये इस बात का संकेत है कि अब लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे हैं। वैसे आप देखें तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको मैं उसकी शुभकामना देता हूं। मुख्य रूप से जो विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहां के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने यह तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए कर सके, ये एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। अभी 2711 ऐसे इतने परिवारों को जो कि लैंडलेस थे उनको प्रशासन ने जमीन दी है और आगे भी जो हमारी सूची है PMAY के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने PMAY में लगभग 1,99,550 PMAY में अतिरिक्त
मकान दिए थे, तो जो वेटिंग लिस्ट हमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक ये आवाज दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024 31 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं, जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी 50,000 स्वीकृति प्रदान करेंगे। और पिछले साल नवंबर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मेहनत करके ब्लॉक लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी वंचित लोग थे उनकी पहचान कराई और ये कुल 1,83,602 इतने लोग हैं जिनके पास घर नहीं थे, इनकी सूची हमने बनाई है। और हमारी प्राथमिकता है कि इन सबको सैचुरेट कर दिया जाए, मैंने हर आदमी का अपना मकान जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी के पास आवास हो, ये हम संतृप्त करने जा रहे हैं, सैचुरेट करने जा रहे हैं। जो कठिनाई थी लैंडलेस लोगों की वो कठिनाई हमने दूर कर दी है और अब वो लैंड ओनर भी हो जाएंगे, हाउस ओनर भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है कि केवल घर उनको नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ रहा है। और एक गरीब आदमी से जिंदगी किस तरह से वो बदल सकती है, इसके लिए प्रशासन ने एक पहल की है और अपना घर होने के बाद निश्चित रूप से लोगों के सपने जन्म लेते हैं, आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। और मैंने देखा है अपने 30-35 वर्ष के सामाजिक जीवन में कि गरीब व्यक्ति का जब मकान बनता है तब वो ये सोचना शुरू करता है कि कैसे अब मैं नया रोजगार करूं, अपने बच्चे को कैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊं। और मुझे लगता है कि किसी गरीब परिवार के सर पर छत आते ही एक तरक्की का नया संकल्प शुरू होता है। और ये जो 2,711 परिवारों को जमीन देकर छत देने का इंतजाम प्रशासन ने किया है, मुझे लगता है केवल दरवाजे खिड़कियां नहीं बन रही बल्कि जीवन में नए सपने पूरा करने का उन्हें अवसर दिया है। मैं ऐसे सभी फैमिलीज को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो बचे हुए भूमिहीन हैं और जो पात्र हैं उनकी भी आकांक्षाएं पूरी हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वंचित वर्गों के लिए योजनाओं की बात यहां काफी होती थी लेकिन जमीन पर आप लोग जानते हैं कम उतरती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में और डीबीटी के कारण ऐसी व्यवस्था बन गई है कि उसका एक एक पाई उस गरीब व्यक्ति तक जाएगा और एक समावेशी विकास मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति का होगा। पिछले 3.5-4 वर्षों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। और मैं एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं कि हमारी नीति और नियत इस दोनों में कोई भेद नहीं है। नीति भी हमारी यही है कि गरीब आदमी को मदद की जाए और नियत भी यही है और हर कदम हर फैसला गरीब आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके किया जाता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अब हाथ फैलाने के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें, ये हम सबके लिए खुशी की बात होगी, अनेक जिंदगियों में इसके कारण परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि मुख्य विषय यही था, आप लोगों को धन्यवाद देना और एक महत्वपूर्ण ये निर्णय हम लोगों ने किया था। तो 2 लाइन करके मैं बात खत्म करूंगा फिर आप लोगों को सौंप दूंगा। नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी है अपने घर का बिस्तर बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर का बिस्तर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।